हेलो फ्रेंड, मैं निवेदिता पाल। वेलकम टू माय किचन। आप देख रहे हैं चैनल सुपर मॉम की रसोई में। मैं आपके लिए एक मीठा सा रेसिपी लेके आई हूँ। तो डिश का नाम है नारियल की बर्फी। तो आइए फ्रेंड, हमें नारियल की बर्फी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये नारियल है जो मैंने पहले से ही कद्दूकस कर चुकी हूँ। तो पहले आपको एक कटोरी नारियल लेना है, एक कटोरी से कम थोड़ा चीनी लेना है, थोड़ा सा मिल्क पाउडर लेना है, 2 चम्मच घी लेना है, थोड़ा सा इलायची पाउडर लेना है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेना है। यही आपको लेना है फ्रेंड नारियल बर्फी बनाने के लिए। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं नारियल बर्फी बनाने के लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक कटोरी ले लेना है। कटोरी में नारियल ऐड कर देना है, चीनी भी ऐड कर देना है, मिल्क पाउडर भी ऐड कर देना है। अभी इसको मिक्स कर देना है फ्रेंड। इसे तब तक मिक्स करना जब तक थोड़ा चीनी घुल मिल ना जाए। फ्रेंड देखिए, लगभग हो चुका है, आपको भी ऐसा ही करना है। अभी चलिए शुरू करते हैं नारियल बर्फी बनाने के लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक कढ़ाई ले लेना है। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर देना है। फ्रेंड जब घी गर्म हो जाए तो ये मिक्सर ऐड कर देना है। अभी इसको फ्रेंड लो आंच में चलाते रहना है। फ्रेंड इसको तब तक चलाना है जब तक इसमें एक ब्राउन कलर ना आ जाए। फ्रेंड ये नारियल बर्फी देखिए कलर आ चुका है, आपको भी ऐसे ही कलर लाना होगा। अभी एंड में आपको इलायची पाउडर ऐड कर देना है, फिर एक बार इसको चला देना है। तो फ्रेंड आपका का नारियल बर्फी बनके तैयार हो चुका है। अभी आइए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग एक प्लेट में निकाल चुके हैं। तो फ्रेंड इसे 10 मिनट तक ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो आप अपने मनपसंद शेप दे सकते हैं। फ्रेंड 10 मिनट तक हो गया है, ये ठंडा भी हो चुका है। अब चलिए इसका शेप दे देते हैं। देखिए फ्रेंड, हम लोग मनपसंद शेप दे चुके हैं। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, आपका नारियल बर्फी बनके तैयार हो चुका है। एक बार फ्रेंड बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।